नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस OLQ सीरीज में। और आज हम बात करेंगे थर्ड OLQs के बारे में। ओके, तो हर दिन अपने आप से भी आप ये पूछिएगा कि भाई आपके अंदर है या नहीं है, आप इन पे काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तीसरी ये हमारी OLQs है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ओके, लास्ट हमने पढ़ा था रीजनिंग एबिलिटी के बारे में, यानी कि आपके अंदर किसी काम को करने का कोई रीजन है या नहीं है। द थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, यानी कि इसमें हम बात करते हैं दैट इज हाउ यू ऑर्गेनाइज और हाउ यू मैनेज योर थिंग्स। तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो दिस इज योर एबिलिटी टू यूज अवेलेबल रिसोर्सेस नाइसली। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है। तो इसको चेक करने के लिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाउ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए हाउ, है ना। तो हाउ का मतलब क्या होता है? हाउ इसी चीज को बताता है कि कैसे करोगे, है ना। जैसे आपने सुना था ना, इस देश की रक्षा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, यानी कि यू आर वेल ऑर्गेनाइज, तन मन धन। तो आप अपने कामों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। एंड जो सारे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके PIQ में बेस्ड होते हैं, क्योंकि PIQ में जो आपने डेटा भर रखा है उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस SRT में, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं जिनसे वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को चेक कर सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, टू शो दिस ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी यू मस्ट थिंक ऑफ द एक्शन बिफोर, ड्यूरिंग एंड द आफ्टर द इवेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हिंट भी है कि भाई इवेंट से पहले क्या सोच रहे हो, इवेंट के ड्यूरेशन में, इवेंट के बाद में आप क्या सोच रहे हो। जैसे आपको एक फुटबॉल का मैच ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करोगे? यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल, यू आर द लीडर ऑफ योर स्कूल, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? तो सबके ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। द बेस्ट वन इज जो मोस्ट सूटेबल है कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे बिफोर द इवेंट आप कुछ चीजों को अरेंज करोगे या नहीं करोगे, है ना। ड्यूरिंग आपको क्या करना है, आफ्टर आपको क्या करना है, यानी कि जो भी इवेंट है वो लगना चाहिए कि वो अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये एक आइडियल एग्जाम्पल है, और मैं कहता हूं कि आइडियल से बेस्ट है कि आप अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल्स को समझिएगा। जैसे कई बार आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपने घर पे कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जैसे कई बार क्या होता है, मान लीजिए घर पे शादी है, तो घर पे शादी है तो आपने क्या किया, आपने वहां पे अपनी रीजनिंग एबिलिटी दिखाई या नहीं दिखाई? जैसे कुछ जिम्मेदारी हमें भी मिलती है ना, तो हम उनको कैसे, है ना। मान लीजिए कि आपके सिस्टर की शादी और आपको कुछ अरेंज करना है, तो कैसे किया आपने, ये आपकी रीजनिंग एबिलिटी है। कितने बेहतर तरीके से आपने उसको अरेंज किया, चाहे वो रिसेप्शन वाला प्रोग्राम हो, चाहे वो रिश्तेदारों को अटेंड करने वाला हो, चाहे लाने ले जाने का हो, कोई भी हो, मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हो, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है एग्जाम्पल टू। टू फ्रेंड्स हैव केम टू मीट, दे विल स्पेंड 2 डेज विद यू, हाउ विल यू शो देम अराउंड। SRT वगैरह में क्वेश्चंस है ना कि भाई दो दोस्त आपके आ रहे हैं, आप कैसे मैनेज करोगे? तो ऐसा नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा, ये ऑटो पायलट मोड वाला सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि भाई कैसे मैनेज कर सकते हो, कितना बेस्ट तरीके से आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। और मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे इसमें सबसे बड़ा, कई बार आपने सुना होगा कि NDA की ट्रेनिंग आपकी NDA एकेडमी से ही स्टार्ट नहीं होती है, एग्जाम से ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ विल यू मैनेज योर NDA विद बोर्ड एग्जामिनेशन, तो दिस इज योर व्हाट रीजनिंग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे? कल को आप फौज में जा रहे हो, फौज में जाने के बाद आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे फैमिली को, ठीक है, फैमिली के साथ अपने ड्यूटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्यूटी को, दैट इज योर मैनेजमेंट, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ओके, तो इनपे क्या करना है, आपको इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने लाइफ में, कि कोई भी चीज है आप ये सोचो कि इसको आप कैसे बेस्ट तरीके से आप इसको फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो यही होती है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। कोई भी काम है, चाहे वो आपकी पढ़ाई का काम है, आप दिन में पढ़ते हो तो उसको किस अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। ओके, आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन और बोर्ड NDA को कैसे, कॉलेज के साथ NDA को कैसे, अपनी लाइफ को कैसे, तो दिस इज योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी।
आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड आप इस पे काम करोगे और आप अपने अंदर इसको डेवलप करोगे, ठीक है। अनअकैडमी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल, 23% ऑन ऑल अनअकैडमी एनडीए सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड SS30। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।